फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रयास हैशटैग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद साइड इफेक्ट के रूप में हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं। मेरी एक फ्रेंड ने तो मुझसे यहाँ तक बताया कि उनके बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं कि लगता है कि सिर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, इसी समस्या को लेकर मैं आज अपना ये वीडियो लेकर आई हूँ। हाल में ही की गई नई रिसर्च में कोरोना से ठीक हुए लोगों में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है। हालांकि इसकी वजह अभी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो पाई है, लेकिन इसे टेलोजन एफ्लुवियम के नाम से जाना जा रहा है। टेलोजन एफ्लुवियम में किसी बीमारी या सदमे की वजह से कुछ समय के लिए बाल झड़ने लगते हैं। COVID-19 की वजह से चिंता और तनाव इसका एक वजह बन जाता है। इसके अलावा इस बीमारी से शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। टेलोजन एफ्लुवियम की वजह से शरीर के सिस्टम को शॉक लगता है। इसी शॉक की वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है और वो तेजी से झड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप शारीरिक रूप से ठीक होने लगते हैं, आपके बालों की ग्रोथ वापस आ जाती है और उनका झड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाएं, तो आज से ही इन सुपर फूड्स को खाना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं आपको उन सुपर फूड्स के बारे में बताती हूँ और उनके सोर्सेस के बारे में बताती हूँ, जिनको आप खाने से आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों, साबुत अनाज खूब खाइए। इनमें विटामिन, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिंक उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो बालों को मोटे, मजबूत और लंबा बनाते हैं। पर्याप्त मात्रा में जिंक के लिए दालों और अनाजों का खूब सेवन करिए। अपने खाने में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को खूब सेवन करिए, जैसे नट्स, दूध, पनीर, मछली, अंडे, सोयाबीन। बीन्स का खूब सेवन करिए, जिससे झड़े हुए बाल की जगह पर नए बाल उग सकें। विटामिन सी की कमी से बालों का झड़ना बहुत तेजी से शुरू होता है और टूटना भी शुरू होता है, इसलिए अपने भोजन में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, नींबू, जामुन, टमाटर, आंवला और खट्टे फलों को शामिल करिए। विटामिन ए की जब आपके शरीर में कमी होती है, तो उससे भी बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। अपने भोजन में विटामिन ए की मात्रा को खूब बढ़ा दीजिए। इसके लिए दूध और दूध से बने पदार्थ खाएं, जैसे दही और स्किम मिल्क। इसमें बहुत अच्छा विटामिन ए होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए सीबम के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे बालों का गिरना बंद हो जाता है। बालों को गिरने से बचाने के लिए हर दिन एक केला खाइए। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनमें आयरन, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी, सी और ई पाए जाते हैं। साथ ही साथ उनमें पोटेशियम, ओमेगा 3 और कैल्शियम भी होता है, जो कि बालों को गिरने से रोकता है। सब्जियों में विशेषकर गाजर और चुकंदर जरूर खाना शुरू करिए, जिससे बालों का झड़ना रोकने के लिए सीबम का निर्माण खूब हो सके। गाजर से बालों को बीटा कैरोटीन और विटामिन ए खूब मिलेगा और चुकंदर से आपको आयरन और जिंक दोनों भरपूर मात्रा में मिलेगा। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, जिससे बालों का झड़ना रुक जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पोस्ट COVID-19 इफेक्ट में बालों के झड़ने का कारण और उन्हें झड़ने से रोकने के लिए आपको क्या क्या खाना है ये बताया। इन्हें आज से ही खाना शुरू कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।